वर्ग दसम के विद्यार्थियों को सुप्रभात, नमस्कार, जय हिंद। सर्वप्रथम आप लोग विषय संस्कृत है पाठ तृतीय शिशु लालनम। पाठ तृतीय है ये शिशु लालनम के पेज नंबर 26 को खोल कर अपने सामने रखे ताकि समझने में सुविधा आपको हो। कल हम लोगों ने जहाँ तक अध्ययन कर लिया था, आज हम लोग उसके आगे से प्रारंभ करेंगे। देखेंगे पूर्व में हम यह कह चुके हैं कि यह पाठ शिशु लालनम रामायण से संबंधित है। इसमें दिया हुआ है कि रामः अहमत्र भवतो जनकं नामतो विदितु मिच्छामि। राम कहते हैं किसे, लौकुश से कहते हैं कि अहमत्र भवतो जनकं नामतो विदितु मिच्छामि। अहम मने मैं, अत्र मने यहाँ, भवतो मने आप दोनों के, जनकं मने क्या होता है पिता, नाम तो नाम, विदितु मने जानना, इच्छामि चाहता हूँ। राम कहते हैं लौकुश से कि मैं यहाँ आप दोनों के पिता के नाम जानना चाहता हूँ। देखेंगे लवः, लव उत्तर देते हुए कहते हैं न ही जाना यस्य नामधेयम्, मैं उनके नाम को नहीं जानता, मैं उनके नाम को नहीं जानता हूँ। न कश्चिदस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, न कश्चिदस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, और न ही तपोवन में उनका कोई नाम लेता है। तपोवन जहाँ की लौकुश रहते हैं वहाँ उनके नाम को कोई नहीं लेता। रामः अहो महात्म्यम्, इतना महात्म्य है आपके पिता का। कुशः जानाम्यहं तस्य नामधेयम्, अब कुश कहते हैं जानाम्यहं तस्य नामधेयम्। कुश कहते हैं मैं जानता हूँ, जानाम्यहं मने मैं जानता हूँ, अहम मने मैं, जाना मने जानता, तस्य मैंने उनके, नामधेयम मने नाम। कुश कहते हैं कि मैं उनके नाम को जानता हूँ। रामः कथ्यताम्, कहें राम कहते हैं कुश को कि उनके नाम, उनका नाम आप कहें, है ना, किनका नाम, आपके पिता का। कुशः नीरनुप्रूसो नाम, उनका नाम क्या है कि निर्दय है, अर्थात उनमें दया की भावना का अभाव है, निर्दय है। रामः व्यस्य पूर्वं खलु नामधेयम्, राम कहते हैं कि व्यस्य पूर्वं खलु नामधेयम्। राम कहते हैं कि मित्र निश्चय ही अनोखा नाम है, यह नाम तो क्या है कि अनोखा है। विदूषक कहते हैं विचिन्त्य एवं तावत् पृच्छामि नीरनुक्रोशो इति,
का एवं भनति। अब देखिए भनति मने क्या होता है, कहना, भनति मने कहना, कथ्यति मने भी कहना होता है। यहाँ भनति का प्रयोग हुआ है, भनति मने कहना होता है। देखेंगे निर्नुक्रोश मने निर्दय, क्रूर, व्यस्य मने होता है मित्र, विचिंत्य मने सोच कर, विदूषक कुछ सोचते हुए, एवं तावत पृच्छामि, पृच्छामि मने क्या होता है पूछता हूँ, विदूषक कहते हैं कुछ सोच कर या पूछता हूँ कि उन्हें निर्दय कौन कहता है, है ना। विदूषक कहते हैं कुश से कि मैं पूछता हूँ कि उन्हें निर्दय कौन कहता है, कुश। अब कुश उत्तर देते हैं अम्बा अर्थात माँ कहती है। विदूषक किंकु पिता एवं भनति उत प्रकृति अस्था। विदूषक कहते क्या वे कुपित होकर क्रोधित होकर ऐसा बोलती है, या उनकी प्रकृति ही ऐसी ऐसी है, स्वभाव ही ऐसा है, है ना। कभी कभी व्यक्ति जो है कुपित होकर मुंह से कुछ अपशब्द बोल देता है, या उसका हमेशा का स्वभाव ही ऐसा होता है। यही बात विदूषक यहाँ पूछते हैं कुश से, जे आपकी अम्बा जो है उन्हें निर्दय कहती है कि यह उनकी प्रकृति है या कुपित होकर बोलती है। अब कुश कहते हैं यद्या वयूर बाल भाव जनितं किंचिद विनयं पश्यति तदा एवं अधिक्षिप्ति निरनुक्रोशस्य पुत्रौ मा चापलम् इति। पुनः इस पंक्ति को देखेंगे उच्चारण में, कुशः यद्या वयूर बाल भाव जनितं किंचिद विनयं पश्यति तदा एवं अधिक्षिप्ति निरनुक्रोशस्य पुत्रौ मा चापलम् इति। देखिए कुश कहते हैं कि यदि यद्यावयूर बाल भाव जनितं, यदि हम दोनों की बाल भाव से उत्पन्न, है ना, उदंडता देखती है, उदंडता यानी शरारता, शरारती, उदंडता देखती है, तब ऐसा कहकर वो अधिक्षिप्ति मने फटकारती है कि क्या निर्दय के पुत्रो चंचलता मत करो, माँ चपलम चापलम मने चंचलता मत करो, ऐसा वो बोलती है। अब दूसर कहते हैं एतयोर यदि पितर नीरनुक्रोश इति नाम देयम् एतयोर जननी तेनाव तेनाव मानिता निर्वासिता एतेन वचनेन दारको निर्भर्तस्यति। पुनः इस पंक्ति को देखेंगे उच्चारण में, विदूषक एतयोर यदि पितर निरनुक्रोश इति नामधेयम् एतयोर जननी तेनाव मानिता निर्वासिता एतेन वचनेन दारको निर्भर्तस्यति। निर्भर्तस्यति मने भर्तसना करना, शिकायत करना, एतयोर जननी इन दोनों की माता, निर्वासिता मने निकाल देना। देखेंगे अब विदूषक उत्तर दे दे, यदि इनके पिता का नाम निर्दय है तो इनके माता उससे अपमानित व निष्कासित होने के कारण उन्हें फटकारती है। आप विदूषक कहते हैं कि माता के अंदर कोई ऐसा क्रोध होगा अपने पति के प्रति जिसके कारण वो ऐसा बोलती है। अब देखेंगे रामः स्वागतं धिङ् मामि वं भूतं सा तपस्विनी। देखिए रामः स्वागतं धिङ् मामि वं भूतं,
उत्तम। अब राम कहते अपने मन में, ऐसे मुझको धिक्कार है ना, दिंग मामी एवं भूतम है ना, धिक्कार है मुझे सात पश्विनी मत कृतीना पराधीन स्वापत्यमेवा मनयुग भंग भय अक्षर निर्भरत्यति। देखेंगे वह तपस्विनी मेरे द्वारा किए गए अपराध के कारण अपनी संतान की इस प्रकार अहंकार युक्त शब्दों से भटकाती है। राम कहते हैं कि गलती किए हम और उसकी सजा हमारे दोनों संतान भुगतते हैं। सवास्प मवलोक यदि है ना, आंखों में आंसू भरते हुए वो देखते हैं, उनकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। रामः अति दीर्घं प्रावासो वयं दारुणश्च विदूषकम् अवलोक्य जनान्तिकं कौतूहलेनाविष्टो मातर मन्योर ना मतो वेदितुमिच्छामि। मने क्या होगा जानना चाहता हूँ। दारुण मने भीषण भयंकर, प्रवास मने क्या होगा दूसरे स्थान में रहना, दारुण दारुणश्च मने और कठिन। देखेंगे अब राम कहते हैं कि यह प्रवास है ना लंबा व कष्टदायक है। कुतूहलेनाविष्टो मातर मन्योर नाम तो विदितुम इच्छामि। अब कहते हैं कि इनकी माता को छूटे हुए नाम से जानना चाहता हूँ। देखेंगे नाम जो है इनका भी, इनकी माता का नाम जानना चाहता हूँ। स्वापत्यमेव मन्यु कुतूहलनाविष्टो मातरो मातर मन्योर नाम तो विदितुम इच्छामि। अब राम कहते हैं कि इनके माता के नाम को जानने की इच्छा रखता हूँ। न युक्तम च स्त्रीगत मनोयुक्तम विशेष तस्तपोवने तत् को अत्राभ्युपायः। अब कहते स्त्री के विषय में पूछताछ उचित नहीं है, विशेष रूप से तपोवन में, तो यहाँ इस विषय में क्या उपाय है। विदूषकः जनान्तिकम् अहं पुनः पृच्छामि किं नाम धेया युवयोर जननी। विदूषक अब कहते हैं कि जनान्तिकम् है ना एकांत में फिर मैं पूछ लेता हूँ। अहं पुनः पृच्छामि, अहं मने मैं, पुनः मने फिर, पृच्छामि मने पूछता हूँ, मैं पुनः पूछता हूँ किं नाम धेया युवयोर जननी है ना, आपके आप दोनों के माता का नाम क्या है। लव तस्याः द्वे नामनि, उनका दो नाम है। अब विदूषक कहते हैं कथमीव, कैसे उनका दो नाम कैसे है। लव तपोवन निवासिनो देविति नामना यन्ति भगवान वाल्मीकिर वर्धूरिति। अब लव कहते हैं तपोवन में निवास करने के कारण उसे देवा के नाम से पुकारा जाता है, भगवान वाल्मीकि वधु इस नाम से उन्हें पुकारते हैं। राम अपि च इतस्तावद् यस्य मुहूर्त मात्रम। अब राम कहते हैं कि इन दोनों, राम कहते हैं अपि च इतस्तावद् यस्य मुहूर्त मात्रम,
अब राम कहते हैं कि मित्र इसके अलावा क्या है, मुहूर्त मात्र के लिए क्षमयांसा। अब विदूषका उपसृत्या आज्ञापयतु भगवान। भगवान अब विदूषक कहते हैं कि ए पास जाकर ये आज्ञा दीजिए आप। राम अपि कुमार योर न योर अस्माकं च सर्वथा समरूपः कुटुंब वृतांतः। अब राम कहते हैं कि इन दोनों कुमारों और हमारे वंश का वृतांत पूर्णतः समान है। यहां तक वो नहीं जानते हैं कि मैं ही इनके पिता हूं, अर्थात अपना अपनी तुलना अपने वंश की तुलना इन दोनों के वंश की तुलना से करते हैं। आज हम लोगों ने यहां तक अध्ययन किया। आप सभी विद्यार्थी गृहकाली के रूप में जहां तक हमने पढ़ाया वहां तक के शब्दार्थ को स्मरण कर लेंगे, यह आज का गृहकारी होगा। आप सभी विद्यार्थियों से ये आशा है, विश्वास है कि आप अपने गृहकारी को पूर्णतः तन्मयता से कर रहे होंगे। मैं बार बार कहता हूँ कि जिस दिन विद्यालय सुचारू रूप से संचालित होगा उस दिन हम गृहकारी को सुनेंगे, चेक करेंगे। धन्यवाद।